नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साउंड मीडिया फिल्मी खबर में। मैं आपका दोस्त संतोष सावंत। दोस्तों आज मैं फिर मौजूद हूं जुगाड़ी बाबा के यहां, जो कि पवन सिंह के राइटर रह चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारा गाना पवन सिंह, खेसारी लाल और कल्लू जी को अपना गाना देकर हिट हो चुके हैं, जुगाड़ी बाबा। तो आइए आज मैं जुगाड़ी बाबा से आप सभी को बात करा रहा हूँ। तो दोस्तों आज जुगाड़ी बाबा से मेरा बात हुआ मगहैया जवान के ऊपर के बारे में, जो मगहैया जवान गौतम सर जी और समर सर जी के बारे में, जिन्होंने अश्लील मुक्त भोजपुरी को के लिए मुहिम छेड़ा है। तो उतनी से बात हुआ हमारे जुगाड़ी बाबा से कि क्या मगहैया जवान जिस तरह का अपना मुहिम छेड़े हुए हैं वो सही है या गलत है। इस विषय पर आइए हम जानते हैं और देखते हैं कि जुगाड़ी बाबा ने क्या कहा। जुगाड़ी बाबा जी, जैसा कि अभी मगहैया जवान जो है उसमें गौतम जी और समर जी, ये दोनों अश्लीलता बंद करने के मुहिम छेड़े हुए हैं, तो क्या उनका जिस हिसाब से वो मुहिम छेड़े हुए हैं, जिस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो क्या उनका इस तरह का कार्य करना उचित है? मेरे समझ से तो नहीं, क्योंकि वो भूले बिसरे गीतों को, अश्लील गीतों को पब्लिक को फिर से सुनाते हैं, और जो जिस गीत को लोग भूल चुके हैं वो दोबारा सुनना चाहते हैं और दोबारा फिर उस कैसेट को खोज करके उस गाने को सुनते हैं। और वो तो हमने देखा है एक आध बार कहीं कि वो तो सबको गाली की भाषा में बात करते हैं। अगर गाली ही अश्लीलता नहीं है, किसी की माँ बहन को गाली दे दीजिए अगर अश्लील नहीं है, तो अश्लील है क्या? मैं मगहैया जवान से केवल एक सवाल पूछता हूँ। वो जैसे सभी सिंगरों को गाली देते हैं, माँ की, बहन की, मौसी की, चाची की, तो ये अश्लीलता अगर नहीं है तो फिर वो अश्लीलता रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा है किस अश्लीलता को रोकने की बात करते हैं, जब स्वयं अपनी अश्लीलता फैलाते हैं, लोगों को गाली देते हैं खुलेआम। ये अश्लीलता रोकने का पहल नहीं है, ये तो सरेआम गाली देने की बात हो गई। तो आप कुछ उन्हें सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से अश्लीलता दूर किया जा सकता है? हाँ, मेरा उनसे प्रार्थना होगा कि वो कम से कम लोगों को गाली नहीं दे सिंगरों को। जो सिंगरों को माँ बहन की गाली देते हैं वो हमारे समाज में बहुत अश्लील माना जाता है। वो अश्लीलता मिटाने चले हैं और स्वयं अश्लीलता फैलाते हैं, तो मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता भाई। उनको अच्छा लगता हो तो भले, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि वो इस तरह से गाली देकर के नहीं, उनको कड़े शब्दों में चेतावनी देकर के उनसे कुछ कह सकते हैं, उनकी बुराई कर सकते हैं, लेकिन जब स्वयं गाली दे रहे हैं और उनसे अश्लीलता बंद करने की बात करते हैं तो कैसे होगा? ये तो संभव नहीं है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा जुगाड़ी बाबा। तो दोस्तों आपने देखा कि जुगाड़ी बाबा ने क्या कहा मगहैया जवान के बारे में, तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि क्या उन्होंने यह सही कहा कि मगहैया जवान का अश्लीलता को ख़त्म कराने के लिए जो मुहिम छेड़े हुए हैं वो गलत तरीका से छेड़े हुए हैं। तो क्या आप भी हमारे इस चैनल पे कमेंट करके, इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि जुगाड़ी बाबा कितना सही है और मगहैया जवान कितना सही है। तो दोस्तों इसी तरह का लगातार ताज़ा खबर जानने के लिए हमारे साउंड मीडिया फिल्मी खबर से बने रहें, और इस चैनल से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप कमेंट करते हैं तैसे ही हमें पता चलता है कि आपका प्यार, दुलार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और दोस्तों यदि आप अपना इंटरव्यू या किसी भी प्रकार की फिल्मी खबर चलाने के लिए हमारे चैनल पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए मैं फिर एक बार लेकर आऊँगा एक अच्छा सा ताज़ा खबर अगली बार, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।